नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग यहाँ पर अतिथि शिक्षक बनना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले अतिथि शिक्षक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अतिथि शिक्षक यदि आप बनना चाहते हैं, किसी स्कूल में आप पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका गवर्नमेंट ने दिया है। और दोस्तों इसके बाद आपके पास कोई भी मौका और नहीं मिलेगा। क्यों कहें कि दोस्तों यह जो मौका है आपके पास अतिथि शिक्षक बनने का, यह आखिरी मौका है। तो आप दोस्तों इस वीडियो को देखना, पूरा देखना बिल्कुल भी इसके किए बिना, ठीक है, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी इसके द्वारा मिल सके। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं अतिथि शिक्षक की। तो दोस्तों इसके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यह पहले इसके क्लोज हो चुके थे, यानी कि जब लास्ट डेट इसकी निकल गई थी। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट ने इसके फिर से नए सेशन के लिए एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी है। जी हाँ दोस्तों, अतिथि शिक्षक के यहाँ पर फिर से रजिस्ट्रेशन होने लगे हैं। यदि आप अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप जल्दी से इसका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। दोस्तों यह रजिस्ट्रेशन जो है, यह 19 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन इसकी अभी लास्ट डेट नहीं आई है कि कब तक यह फॉर्म भरे जाने हैं। तो दोस्तों आप यदि शिक्षक, अतिथि शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म है रजिस्टर्ड कर लें। और अपने जो आगे की प्रोसेस रहती है, भाई आगे किस आने वाले समय में, उसको भी कंप्लीट कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ पे करना है, मैं वो भी आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है और कैसे करना है। दोस्तों इसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ कि आप जो जिस वीडियो में मैंने बताया था कि आप अतिथि शिक्षक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो भी स्टेप बाई स्टेप बिल्कुल ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया था कि आप कैसे उसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आप अपने मोबाइल से भी अपना अतिथि शिक्षक का रजिस्ट्रेशन है वह कर सकते हैं, बिना किसी कंप्यूटर के यहाँ जाए बिना, और कोई भी आपकी शुल्क भी नहीं लगी। आप अपने मोबाइल से इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों इस वो जो वीडियो मैंने आपके लिए यहाँ पर बनाया है अतिथि शिक्षक का रजिस्ट्रेशन करने का, उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। या फिर आप मुझे कमेंट करें कि भाई मुझे वीडियो दे, तो मैं आपको रिप्लाई में उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, जो कि आपको यहाँ समझाया गया है कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे अतिथि शिक्षक का रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। और दोस्तों मैं इसमें डिटेल से तो नहीं बता सकता, मैं कुछ ऐसी नॉर्मली जानकारी इसमें देने वाला हूँ कि कहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों चलते हैं, देर ना करते हुए चल हम आपको डायरेक्ट ले चलते हैं गूगल पर, जहाँ पर आपको यह रजिस्ट्रेशन करना है। दोस्तों यह जो वेबसाइट आपके सामने है, यह दोस्तों कौन सी वेबसाइट है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम है अतिथि शिक्षक प्रबंध प्रणाली, ठीक है। दोस्तों यह ऑफिशियल वेबसाइट है अतिथि शिक्षक की। जो वेबसाइट आपके सामने जो नीचे दिख रही है, इसको आप नेट पर डालेंगे तो यह ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों आपको कहाँ से इस पर लॉगिन होना है, कहाँ आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, मैं भी इसमें भी थोड़ा थोड़ा बताता चलूँगा। और यदि आपको बिल्कुल डिटेल से या डीपली से स्टेप बाय स्टेप जानना है कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, तो आपको उस वीडियो की लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें ज़्यादा नहीं बताने वाला, क्योंकि दोस्तों फालतू टाइम इसमें लगता है। दोस्तों जो इसमें वेबसाइट, इसमें सब कुछ आपको मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह क्या लगे, यहाँ पर दिया हुआ है जिले जहाँ कार्य में सुधार की आवश्यकता है, अतिथि शिक्षकों के मान यानी जहाँ अतिथि शिक्षकों की पेमेंट के बारे में इसमें दी हुई है, ठीक है। और भी दोस्तों हर सब कुछ इसमें मिलने वाला है। यह वेबसाइट और जो कि यह अतिथि शिक्षक की है नई वेबसाइट जो कि यहाँ पर बन के तैयार हो गई है। तो दोस्तों आपको यह गूगल पे क्या सर्च करना है देख लीजिए, जो यहाँ पर आप जैसे नेट चलाते हैं तो कंप्यूटर में आप यह आईडी रहती है, या तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो यह जैसे ही आईडी आप डालेंगे, तो आप डायरेक्ट ही जिस वेबसाइट में अभी यहाँ पर हूँ, इस वेबसाइट पर भी आप पहुँच जाएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों देखिए इसमें सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा, अतिथि शिक्षक की सेवाएँ लेने हेतु उपलब्ध योग्य अभ्यर्थियों को जिलावार संख्या कितनी है, और दोस्तों ब्लॉक वार संख्या कितनी है, अभ्यर्थियों का पैनल मिल जाएगा, यहाँ पर ब्लॉक उपलब्धि मिल जाएगी, यहाँ पर अतिथि शिक्षक की सेवाएं मिल जाएंगी, जिले वार कार्यरत अतिथि मिल जाएंगे, कितने जिले में कार्यरत अतिथि हैं,
और ब्लॉक वार और जिले वार जिसमें जो भी जानकारी आपको चाहिए आपको इस वीडियो में मिल जाए, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो योग्य आवेदक एवं कार्यरत अतिथि शिक्षक का पैनल है, यानी कि इस वेबसाइट पर आपको पूरी अतिथि संबंधित जानकारी मिल जाएगी जो कि गेस्ट फैकल्टी के लिए यहाँ पर एमपी सरकार द्वारा बनाई गई है। तो दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि कितनी रिक्तियाँ यहाँ पर खाली हैं, जिलेवार की, ब्लॉकवार या विषयवार। तो जितनी भी रिक्तियाँ यहाँ पर खाली हैं दोस्तों, बहुत सारे यहाँ पर पद रिक्त हैं अतिथि शिक्षक के, तो आप इसका रजिस्ट्रेशन जरूर करें ताकि यदि आपकी यहाँ पर लग जाती तो दोस्तों देखिए इसमें अब गवर्नमेंट ने पेमेंट भी अच्छी कर दी है, सबको पेमेंट भी अच्छी मिलने लगी है अतिथि शिक्षक में। तो दोस्तों आप यदि आपके पास डीएड और या फिर बीएड है तो आप इसका रजिस्ट्रेशन जरूर करिए और एक बार कोशिश करके देख लीजिए कि यदि आप अतिथि शिक्षक बन जाते हैं तो आप साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं और आपका जो जेब खर्च, परिवार खर्च या जेब खर्च वो भी चलने लगे, क्योंकि दोस्तों इसमें अच्छी पेमेंट भी अब मिलने लगी है। कम से कम 6 से 7 हज़ार रुपये पर मंथ आपको अतिथि शिक्षक में पेमेंट मिलने लगी है। पहले 100-150 रुपये दिन मिलता था लेकिन अब पेमेंट बढ़ा दी गई है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर करना क्या है आपके लिए, यहाँ पर आपको सब में ऊपर जाओगे तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू एप्लीकेशन गेस्ट फैकल्टी इज नाउ अवेलेबल, यानी कि दोस्तों जो गेस्ट टीचर या फिर अतिथि शिक्षक है उनके जो रजिस्ट्रेशन फिर से यहाँ पर ऑनलाइन हो चुके हैं, तो आप जल्दी से इसको भर सकते हैं। आपको कहाँ पर करना है जे आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन हेयर, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ रजिस्ट्रेशन हेयर पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। चलिए दोस्तों हमें आपको यहाँ पर क्लिक करके भी बता दे रहा हूँ, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह है दोस्तों जो न्यू विंडो, या देखिए आप अतिथि शिक्षक प्रबंध प्रणाली है दोस्तों नई वेबसाइट वो विंडो है दोस्तों। इसमें आपको आपकी जो एप्लीकेशन है वो रजिस्ट्रेशन करना है, इसमें आपको कुछ नहीं भरना, केवल आपकी थोड़ी सी ही यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है, यहाँ पर पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है, ज़्यादा कुछ इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि आप अपना नाम भरिए यहाँ पर, मिडिल नाम भरिए और लास्ट नेम भरिए। ठीक है, अपना नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम भरिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए, फिर इसके बाद यहाँ पर मैरिज स्टेटस डालिए, फिर उसके बाद दोस्तों अगला स्टेप क्या है यहाँ पर आपकी कैटेगरी चॉइस करिए, कौन सी कैटेगरी से हैं आप, यहाँ पर आपके पिताजी का नाम, फिर मदर्स का नाम। दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन है वह बिल्कुल सावधानी से आपको इसमें फिल करना है, कोई भी गलती इसमें आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आप रिस्क नहीं लें बिल्कुल, यदि आपको जॉब मिलती है तो मिल जाए, बिल्कुल रिस्क ना लें, बिल्कुल सावधानी से आप इसको पूरी जानकारी डिटेल से इसको भरते रहें। ठीक है, और दोस्तों बात करते हैं अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट कि दोस्तों मोबाइल नंबर की, दोस्तों मोबाइल नंबर आप वही मोबाइल नंबर डालें जो कि आप हमेशा इसको चालू रखते हैं। यदि आप ऐसा है कि आपने नया नंबर लिया और वह नंबर डाल दिया और कुछ दिनों बाद वह नंबर बंद हो गया तो आपको यह समस्या खड़ी हो सकती है, इसलिए इसमें वही नंबर आप रजिस्टर करें जो कि आप हमेशा के लिए उसको रखना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों यदि आप आईडी और पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसी मोबाइल नंबर पर आपका पासवर्ड और आईडी फॉरगेट होती है, अन्यथा नहीं होती है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी डालें, जो ईमेल आईडी आप हफ्ते में कम से कम एक बार तो यूज करते ही हो वह ईमेल आईडी इसमें डालिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, और दोस्तों जो यहाँ पर रेड स्टार दिख रहा है यह कंपलसरी आपको भरना, और यदि जो जिसमें स्टार नहीं लगे हैं भाई आपको कंपलसरी नहीं ये भरना, तो इसलिए जो यहाँ पर स्टार लगी हुई है वह आपको यहाँ पर फिल करना अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप बात करते हैं क्या एड्रेस के बारे में, तो आपको पता में यहाँ पर क्या भरना है, जो वहाँ आप रहते हैं वर्तमान में वह आप यहाँ पर जिला चुनिए, ब्लॉक चुनिए और यहाँ पर एड्रेस डाल दीजिए या पता डाल दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड डाल दीजिए जिस एरिया में आप रहते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर परमानेंट एड्रेस क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका परमानेंट एड्रेस डालना है, यदि सेम है तो आप इस सेम एस पे क्लिक करके सेम टू सेम इस पे वह आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो जानकारी मैंने आपको यहाँ पर बताई है उसको संपूर्ण बिल्कुल सावधानी से भर के और एक बार इसको आप चेक करके, ठीक है, पूरी भर लीजिए, फिर एक बार आप उसको चेक कर लीजिए, उसके बाद आप इसको सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपके जो रजिस्ट्रेशन है भाई सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपकी आईडी और आईडी, तो यहाँ यूजर नेम क्या रहेगा, यूजर नेम और पासवर्ड इसमें जनरेट हो जाएगा, जो कि यूजर नेम रहने वाला है आपका मोबाइल नंबर,
जो आप इसमें मोबाइल नंबर डालोगे वही आपका यूज़र नेम होगा, और यहाँ पर पासवर्ड आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मिल जाएगा। भाई पासवर्ड आप सेव कर लीजिए या फिर कहीं नोट करके रख लीजिए ताकि आप भाई कभी ना भूलें, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे जैसे आए जनरेट यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, उसके बाद आप अपनी जो डॉक्यूमेंट है इंफॉर्मेशन है भाई भी अपलोड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अपलोड नहीं होती, ओनली जानकारी इसमें भरी जाती है। और दोस्तों आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जानना है तो आप मेरी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें आपको पूरी जानकारी के साथ स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि आप कैसे इसका फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यदि यह वीडियो अब यहीं पर होता है समाप्त, यदि वीडियो है आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने चैनल शिक्षा अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।